In this video, we are going to discuss about HSAB principle, which was given by the scientist Pearson. So it is also called Pearson's HSAB principle. This principle states that, very simple statement it has, that hard acids prefer to bind with hard bases and soft acids prefer to bind with soft bases. Very simple statement. क्या मतलब है इसका कि जो hard acids होते हैं वो hard bases से combine करने की इच्छा रखते हैं और जो soft acids होते हैं वो soft bases के साथ bind करने की tendency रखते हैं. Same is the case for hard and soft bases. That hard bases वो hard acids को prefer करेंगे bind करना और सॉफ्ट बेसिस सॉफ्ट एसिड्स को प्रेफर करेंगे बाइंड करना. सो कोई भी अगर हार्ड या सॉफ्ट एसिड है और जो बेस है, सी दिस इज सम ल्यूइस एसिड, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स जो होते हैं वो ल्यूइस एसिड्स होते हैं और ये है हमारे पास ल्यूइस बेस. और बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, और एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा. सो जब भी हमारे पास एसिड बेस की रिएक्शन होएगी, इट विल बी अ सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन रिएक्शन इन विच देयर विल बी फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बी एंड ए, बी ल्यूइस बेस वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर और ल्यूइस एसिड वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा. और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ऐसे बॉन्ड्स अगर बनते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स को स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे जब भी ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस आपस में कंबाइन करेंगे. वापस आते हैं एचएसएबी प्रिंसिपल पर. एचएसएबी प्रिंसिपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मान लो हमारे पास, हम एग्जांपल्स की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव एजी पॉजिटिव, इट इज अ सॉफ्ट एसिड, और सॉफ्ट एसिड प्रेफर्स टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस. सो अगर हम इसको आई नेगेटिव, विच इज अ सॉफ्ट बेस, अगर हम इसको कंबाइन करवाने की कोशिश करते हैं तो इनकी टेंडेंसी आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की बहुत हाई है. तो दिस कॉम्प्लेक्स ए जी आई टू नेगेटिव, दिस कंपाउंड इज अ स्टेबल कंपाउंड. व्हाई दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड, व्हाई दिस इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस. सॉफ्ट ए जी पॉजिटिव, सॉफ्ट आई नेगेटिव. On the other hand, if Ag positive is tried to bind with F negative, now F negative, it is a hard base because of its smaller size and more charge density. It is a hard base. ये soft acid है. इनका जो compound बनेगा AgF2 negative, it will be comparatively less stable or we can say unstable complex. Why it is unstable? Because it is soft hard interactions. So due to these interactions, this complex is comparatively a less stable complex. So ये HSAB principle के according चले हैं. Hard acid hard base को prefer करेगा, जो soft acid है वो soft base को prefer करेगा, वो hard base को prefer नहीं करेगा. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं HSAB principle की applications, कि इस प्रिंसिपल को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो यही, आज जो हमने एग्जांपल करा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो इसमें हम ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं कि जो AgI2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, and AgF2 negative is an unstable complex because of soft hard interactions on the basis of HSAB principle. Iske ilawa agar humne koi aur baat karni hai to, for example, COF6 3 negative, and on the other hand we have another complex of cobalt, COI6 3 negative. So inme se ye jo complex hai, it is more stable,
Why it is more stable? Because cobalt 3 positive, cobalt की 3 positive oxidation state है इसमें, वो एक hard acid है, F negative भी hard base है, और on the other hand ये जो है cobalt 3 positive hard है, I negative जो है वो soft base है, so this is less stable complex. Because this follows HSAB principle and this does not follow the HSAB principle, so ये कम stable हो गया, this is less stable. So this is first application. So many examples can be drawn here. Next application we can write on the basis of HSAB principle. We can decide the direction of a reaction. कोई भी reaction है, अगर हमने उसकी direction देखनी हो, वो forward जाएगी या backward. Direction of a reaction. वो भी हम check कर सकते हैं. कैसे check कर सकते हैं? For example, हमारे पास एक reaction है CuI2. प्लस टू सी यू एफ, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है सी यू एफ टू प्लस टू सी यू आई. अगर हमने ये देखना हो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेगी, तो वो हम एच एस ए बी प्रिंसिपल के बेसिस पे देखेंगे. अगर हम देखें यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव इट इज हार्ड एंड आई नेगेटिव इट इज सॉफ्ट, सो दिस इज हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन एंड दिस इज हार्ड हार्ड इंटरेक्शन. Sorry, this is a soft hard interaction. Now why it is soft hard? Because इसमें copper 2 positive है, higher oxidation state तो वो hard हो गया. इसमें copper positive है, कम oxidation state वाला, so वो soft acid है. और इधर अगर हम बात करें, so this is hard hard and this is soft soft. Copper 2 positive, hard acid. It binds with F negative hard base and copper positive soft acid binds with I negative which is soft base. ये जो hard acids, hard bases की examples और characteristic properties, features वो हमने last video में सारे discuss करे हैं. उसमें हमने समझा है कि कौन से acid को कौन से base को soft कहना है, किसको हमने hard बोलना है. तो hard prefers to bind with hard and soft prefers to bind with soft. So this reaction will move forward. इसका इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगा. ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में नहीं जाएगी. फॉरवर्ड जाने से ये एचएसएबी प्रिंसिपल को फॉलो अप कर रही है. तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल. देन थर्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या डोनर साइट ऑफ एम्बिडेंट लाइगेंड्स. अब एम्बिडेंट लाइगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लाइगेंड्स जो मोनोडेंटेड होते हैं, एक टाइम पे तो एक डोनर एटम के थ्रू डोनेशन करते हैं, लेकिन उनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एस सी एन नेगेटिव, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी एस नेगेटिव. इसमें क्या रहेगा? डोनेशन विल बी थ्रू सल्फर और इसमें डोनेशन विल बी थ्रू नाइट्रोजन. सो ये एक एम्बिडेंट लाइगेंड है. अभी अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन इज अ स्मॉल एटम. सो अगर इस लाइगेंड की बात करें, एम्बिडेंट लाइगेंड जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा तो इट दिस इज थायोसाइनेट एंड इट विल बी आइसोथायोसाइनेट. इट विल बी हार्ड बेस. ये हार्ड बेस की तरह रिएक्ट करेगा, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा. लेकिन जब ये आइसोथायोसाइनेट है, सल्फर से इसकी डोनेशन हो रही है, देन इट विल बिहेव एज सॉफ्ट बेस. व्हाई सो? बिकॉज सल्फर इज अ बिगर एटम, नाइट्रोजन इज अ स्मॉलर एटम, और ये उस हिसाब से हार्ड बेस सॉफ्ट बेस हो गए. तो ये जो एम्बिडेंट लाइगेंड है, सल्फर से बॉन्डिंग करेगा या नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसको हम किस मेटल के साथ बाइंड करवा रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल मान लो कि हम इसको प्लेडियम 2 पॉजिटिव के साथ बाइंड करवाएंगे. प्लेडियम 2 पॉजिटिव इट इज सॉफ्ट एसिड. तो जब भी प्लेडियम के साथ कॉम्प्लेक्सेशन होगी तो सल्फर के थ्रू इसका बॉन्ड बनेगा. वी विल बी हैविंग एस सी एन टेट्रा, चार बार आएगा, 2 नेगेटिव. दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड. ये पैलेडियम का थायो आइसोसायनेटो कॉम्प्लेक्स होगा. ऑन दी अदर हैंड मान लो कि हमने इसकी कॉम्प्लेक्सेशन करवानी है कोबाल्ट के साथ,
कोबाल्ट 2 पॉजिटिव. सो इट इज अ हार्ड एसिड. जब हार्ड एसिड के साथ इसने बाइंडिंग करनी है तो फिर बाइंडिंग होगी थ्रू नाइट्रोजन. सो वी विल बी हैविंग कोबाल्ट NCS टेट्रा, मतलब 4 times 2 negative. बाइंडिंग विल बी थ्रू नाइट्रोजन बिकॉज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज हार्ड एसिड एंड Pg2 पॉजिटिव इट इज सॉफ्ट. ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है. और ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हो रहा है? HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, दैट हार्ड प्रेफर्स टू बाइंड विद हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर्स टू बाइंड विद सॉफ्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस एज हार्ड और सॉफ्ट. कि मान लो हमारे पास कोई एसिड है या हमारे पास कोई बेस है, हमें उसकी नेचर का नहीं पता कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो फिर उस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? वो HSAB प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा इस चीज़ में. तो अगर तो वो एसिड किसी सॉफ्ट बेस के साथ प्रेफर करे बाइंड करना, तो डेफिनेटली वो सॉफ्ट एसिड है. और अगर वो एसिड हार्ड बेस के साथ प्रेफर करे तो वो हार्ड एसिड है. सिमिलरली फॉर बेसिस, कोई बेस है हमारे पास, अगर वो प्रेफर कर रहा है हार्ड एसिड के साथ कंबाइन करना तो वो हार्ड बेस है. अगर सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है वो, तो वो फिर वो सॉफ्ट बेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव R2S. ये हमारे पास एक बेस है. हमें नहीं पता कि ये सॉफ्ट बेस है या हार्ड बेस है, हमने चेक करना है. तो हमारे पास इसका एक कॉम्प्लेक्स बन रखा है H पॉजिटिव के साथ, और हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं CH3 Hg पॉजिटिव. दिस इज अ सॉफ्ट एसिड. ये एक सॉफ्ट एसिड है. और जब हमने इसकी रिएक्शन परफॉर्म करवाई, और रिएक्शन में क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, दैट दिस R2S ये इसके पास जाएगा. सो वी विल बी हैविंग CH3 Hg पॉजिटिव R2S प्लस H पॉजिटिव. अब ये जो H पॉजिटिव है, इट इज हार्ड एसिड. और जब हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन देखते हैं, दिस रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड. ये फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन. दिस रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड. तो फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? दैट R2S इट लीव्स H पॉजिटिव एंड प्रेफर्स टू बाइंड विद CH3 Hg पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉफ्ट एसिड के साथ बाइंड करने की कोशिश कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि R2S इज अ सॉफ्ट बेस, क्योंकि वो सॉफ्ट एसिड के पास जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है. अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती तो इसका मतलब ये होता कि R2S इसको छोड़ के H पॉजिटिव के साथ जा रहा है, इसका मतलब फिर वो हार्ड बेस होता. लेकिन ये फॉरवर्ड जा रही है तो ये सॉफ्ट बेस है. द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अक्रेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स. जो मेटल्स होती हैं इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम सब्सटांसेस, सम केमिकल कंपाउंड्स. कंपाउंड फॉर्म में पड़ी होती है मेटल्स, और उन्हीं कंपाउंड्स को हम मिनरल्स एंड ओर्स कहते हैं. तो ये इसमें हम ये कहना चाहते हैं HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास मान लो वी हैव फ्यू मेटल्स, Al3+, वी हैव Fe3+, वी हैव Cr3+, वी हैव Ca2+ एटसेट्रा. ये जो सारी मेटल्स हैं ये हार्ड एसिड्स हैं. ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स. ये सारी की सारी मेटल्स जब हम इनको अर्थ की क्रस्ट में देखेंगे तो दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स. मीन्स टू से एल्यूमिनियम कार्बोनेट, क्रोमियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, Co3 2-. दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड. दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स, फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स. मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, आयरन फ्लोराइड होगा. तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एनायन हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे हार्ड बेसिस, ऑल ऑफ देम आर हार्ड बेसिस.
बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज. ऑक्सीजन इज ऑफ स्मॉल साइज, फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली. फ्लोरीन क्लोरीन स्मॉल साइज. तो हार्ड एसिड्स दे प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेसिस. सो नेचर में भी ये ऐसे पड़े होते हैं. ये एच एस ए बी प्रिंसिपल किसी लॉजिक के ऊपर ही बनाया गया है और ये मिनरल्स एंड ओर्स भी इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड वी हैव अनदर सेट ऑफ मेटल्स. से वी हैव कॉपर पॉजिटिव एंड वी हैव ए जी पॉजिटिव एंड वी हैव एच जी टू पॉजिटिव. वी हैव पैलेडियम टू पॉजिटिव. ऑल ऑफ देम आर सॉफ्ट एसिड्स. ये सारे के सारे सॉफ्ट एसिड्स हैं. तो ये सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर करेंगे सॉफ्ट बेसिस के साथ. तो इनकी जो कंपाउंड्स होंगे वो सल्फाइड की फॉर्म में देखे जाएंगे. दे ऑल विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड. मीन्स टू से कॉपर सल्फाइड Cu2S जिसको हम लिखते हैं, और मर्करी सल्फाइड, पैलेडियम सल्फाइड, गोल्ड सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ये सारे सल्फाइड की फॉर्म में अर्थ में पड़े होंगे बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस, HSAB प्रिंसिपल. एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट्स. कुछ मेटल्स जो हम रूटीन में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, जैसे कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, क्रोमियम एट्सेट्रा, ऑल ऑफ देम बिहेव एज एड्सॉर्बेंट्स. मींस इनको हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं. दे ऑल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन देयर न्यूट्रल स्टेट्स, इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स. और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी मेटल होगी वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी? इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट एसिड. सो ऑल ऑफ देम आर सॉफ्ट एसिड्स बिकॉज दे आर इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. रेनियम, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये यूजुअली यूज होते हैं. और जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गैसेज हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड इथीन, वी हैव इथीन, और वी हैव एल्काइन्स, एसिटाइलीन, इसकी एग्जाम्पल इथाइन हो जाएगी, एट्सेट्रा. ये जो सारे की सारे गैसेज हैं, ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट बेसिस. इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सॉफ्ट बेसिस है. तो अगर ये जो कैटलिस्ट, इफ दे आर एक्सपोज, दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू एयर, ये सारे जो कंपाउंड्स सॉफ्ट बेसिस हैं, दे विल गेट, ये सारे दे विल गेट एड्सॉर्ब्ड अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल्स या मेटल कैटलिस्ट्स. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस. HSAB प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड. सो अगर ये गैसेज इन मेटल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन शो करेंगी तो मेटल का सरफेस नेकेड नहीं रहेगा, एक्टिव साइट्स सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी. तो इनका जो कैटालिसिस वाला नेचर है, इनका जो कैटलिस्ट वाला बिहेवियर है, उसकी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि ये सरफेस कैटालिसिस का काम करते हैं, एड्सॉर्प्शन के लिए साइट एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं. जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इनके सरफेस पे आके बैठ के रिएक्शन करके चले जाते हैं प्रोडक्ट्स बना के. अगर इनका सरफेस ये गैसेस ऑक्यूपाई कर लेंगी तो इनकी जो कैटालिसिस पावर है वो कम हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग होगी, कैटालिसिस की पॉइजनिंग होगी. एंड इट इज़ ड्यू टू HSAB प्रिंसिपल विच सेज दैट सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर स्टेबल इंटरेक्शंस. सो इन सॉफ्ट बेसिस की, सॉफ्ट जो एसिड है, ये मेटल्स हैं, इनके साथ इंटरेक्शन की वजह से कैटालिसिस खराब हो जाएगी, पॉइजनिंग हो जाएगी इनकी. सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल. सो इन दिस वीडियो वी हैव इन डिटेल डिस्कस दैट व्हाट इज HSAB प्रिंसिपल गिवन बाय साइंटिस्ट पियर्सन एंड व्हाट आर the major applications of this principle, how this principle explains the stability of coordination complexes, how it decides the direction of a reversible reaction, how it predicts the binding site of aberrant ligands, how it classifies the new acids and bases as soft or hard bases, how it explains the occurrence of ores and minerals in the form of carbonates, oxides, halides, sulfides, and how it explains the poisoning of metal catalysts. Thank you.